क्राइम सीन पे दो गन से गोलियां चली, एक 0.38 जो सुधीर के पास थी। टाइम ऑफ डेथ अभी से 4 घंटे के अंदर ही, क्योंकि राइगर मॉर्टिस अभी भी सेटल नहीं हुआ है। दूसरे 0.22 जो अननोन बंदे के पास थी। आई थिंक इट इवन विद अ वेरी स्मॉल। किसी ने मारा होगा मेरे बेटे को, किसी ने मारा होगा। मात्रे आता है और पहले सुधीर पे वार करता है। सुधीर लड़खड़ा के गिर जाता है और अपने ऑफिस की तरफ भागता है। आपको कैसे पता होगा कि सुधीर और स्टेला का अफेयर? आई मीन ये तो बहुत ही पर्सनल बात है। तब मात्रे स्टेला पे गोली चलाता है। स्टेला डाइज। इस पर्स में ऐसा क्या था कि वो औरत इस तक गई, वो भी इन द मिडिल ऑफ अ सेक्सुअल एक्ट? आर्यन स्टॉकर को शायद मालूम नहीं था कि वो लड़की पहले से मरी हुई है, उसके बाद भी उसने उस पर गोलियां चलाई। गोलियां चलाई किसने? क्योंकि मात्रे तो तब तक मर चुका था। इसका मतलब कोई और किलर भी है। कुछ करीबन 9:30 बजे दो लोगों पे गोलियां चलाने के बाद सुधीर ने आपके साथ क्या डिस्कस किया गर्ल्स? और सुधीर की मौत होती है रात के 11:30 बजे। परफेक्ट टाइमिंग।